दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिविजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल एक दो तीन वीडियो में पूरी की पूरी एंशियंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री दो क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, क्लास खूब लंबी रहेगी, डेढ़ घंटे दो घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हाँ, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए, तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। चलने जा रहे दोस्तों, बात आती है शाहजहां की, ठीक है। शाहजहां के बारे में मुझे लगता है आप में से सभी लोग जानते होंगे, क्यों, अरे ताजमहल जो बनवा दिया था। तो याद रखें, जहांगीर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, शाहजहां बैठता है। 1627 में जहांगीर चला गया और 1627 से लेकर के आगे 1657, ठीक है, जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं ना, वहां 1657 यानी 1857 की क्रांति के ठीक 200 साल पहले तक शासन किसका था, शाहजहां का शासन था, 1627 से 1657, ठीक है, याद रखिएगा, ये शाहजहां का टाइम पीरियड है। और ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन आके बैठा है, शाहजहां आकर बैठा है। लिख रहा है, जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री, जिनका नाम था जगत गोसाई, क्या नाम था, जगत गोसाई, ठीक है, जगत गोसाई के गर्भ से इसका जन्म हुआ था, जिसके बचपन का नाम था खुर्रम, क्या नाम था, खुर्रम नाम था। और याद रखे 5 जनवरी 1592 को शाहजहां का जन्म हुआ था, खुर्रम इसके बचपन का नाम था, जिस तरह से जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ठीक है, उसी तरह से इसके बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर की कई सारी पत्नियां थी, जिसमें से मेहरुन्निसा एक पत्नी थी, जिसको नूरजहां भी कहा जाता था, महा जहांगीर जो था उसे प्यार से नूरजहां बुलाता था, नूरजहां गुट के प्रभाव में भी होता। इसके अलावा जहांगीर की जो दूसरी पत्नी है वो कौन है, जगत गोसाई। तो याद रखें, जगत गोसाई के गर्भ से ही शाहजहां का जन्म हुआ था, और कहां पर हुआ था, तो लाहौर में हुआ था, ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। यहां पर आगे देखे दे रहा है कि बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया जो दरबारी रिवाज था, सिजदा और पाबोस, मैंने था कि बलबन जो है उसने स्टार्ट किया सिजदा यानी घुटनों पर बैठ जाना, पाबोस यानी पैरों को चूमना, ये उसके यहां प्रथा थी, उस प्रथा को समाप्त किया किसने, याद रखे शाहजहां ने उस प्रथा को समाप्त किया, जो पैर चूमने की प्रथा थी या घुटने के बल बैठकर जो है सलामी ठोकने की प्रथा थी, इसको समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, शाहजहां को जाता है, ठीक है। देखिए, जब आप इस तरह से एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ते हो ना, तो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई बात छिपी होती है, और देखना आज इस पेड क्लास में जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना, आगे कोई भी एग्जाम देने जाएंगे उनको यहां से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली, क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा टारगेट करके पढ़ाते हैं कि आपको मैक्सिमम चीजें मिल जाए ताकि एग्जाम में अच्छी कवरिंग हो पाए, ठीक है। तो दूसरे वाले पॉइंट को दोस्तों याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा लिख रहा है कि किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया, दोस्तों आगरा से दिल्ली राजधानी लेकर गया शाहजहां, वैसे ऐसा नहीं कि आगरा में इसका मन नहीं लग रहा था, अरे दोस्तों आगरा में तो इसने ताजमहल बनवा रखा था, ठीक है, फिर मन वाली तो यार कोई बात ही नहीं बनती है, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों जो दिल्ली का लाल किला है, याद रखिए जो अभी लाल किला जहां से प्रधानमंत्री जी जाकर क्या देते हैं, भाषण देते हैं, उसका निर्माण भी किसने कराया है, शाहजहां ने कराया है। ठीक है, शाहजहांबाद की भी स्थापना किसने कराया है, शाहजहां ने कराया है। तो याद रखिए अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था, शाहजहां ने स्थानांतरित किया था। ठीक है, याद रखेगा। करा अपनी बेगम मुमताज महल, जिसका पूरा नाम क्या था, अर्जुमन बानो बेगम। क्या नाम था, अर्जुमन बानो बेगम। देखिए परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है, दो लोगों का नाम बहुत ज्यादा पूछता है, सीधे तौर बताऊं, एक मेहरुन्निसा का पूछता है। ठीक है, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा किसका नाम था, याद रखें नूरजहां का नाम था, ये आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है। दूसरा पूछता है अर्जुमन, अर्जुमन के ऊपर बिंदी दे दीजिएगा, अर्जुमन बानो बेगम, ये किसका नाम था, ये पूरा नाम था मुमताज महल का, जिसकी याद में क्या किया है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया है। ठीक है, तो याद रखेगा ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी अर्जुमन बानो बेगम मुमताज महल की याद में कराया है। उसकी कब्र के ऊपर ही ताजमहल बनाया गया है सफेद संगमरमर के पत्थरों से। ठीक है, लिख रहा शाहजहां की पत्नी अर्जुमन बानो बेगम को किस नाम से जाना जाता था, उस जमाने में उनका प्रचलित नाम क्या था, तो क्या बताएंगे, मुमताज महल उनका नाम था। क्या नाम था, मुमताज महल। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था, मुमताज महल। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था, खुर्रम। क्या नाम था, खुर्रम। ठीक है, खुसरो मत बोलिएगा, खुसरो इसी का भाई था खुसरो, लेकिन बाद में मार दिया गया। ठीक है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, करा कि ताजमहल का निर्माण करवाने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था। ठीक है, तो मुख्य स्थापत्य कलाकार था, क्या नाम था, उस्ताद अब्दुल लाहौरी। क्या नाम था, उस्ताद अहमद लाहौरी। लाहौरी याद रखेगा, लाहौर में इसका जन्म हुआ था, लाहौर, लाहौरी याद रखेगा। किसका जन्म, शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, ये लाहौरी याद रखेगा, जिसने ताजमहल का निर्माण कराया। ठीक है, ये प्रमुख वास्तुकार था। करा अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अकबर की बात आती है तो दो तीन बातें बता दूं। ठीक है, याद रखिए एक कई सारे प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, पूछा जाता है अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। अकबर का पूर्वगामी यानी अकबर का पहले, जब अकबर नहीं था उसके पहले भी एक व्यक्ति था अकबर जैसा। ठीक है, तो उसके बारे में पूछता है, तो याद रखिए क्या नाम था, इसका नाम था जैनुल आबदीन। क्या नाम था, जैनुल आबदीन। यह कौन था दोस्तों, याद रखिए कश्मीर का राजा था। ठीक है, जैनुल आबदीन, तो याद रखिए इसको अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। बाकी अकबर के नाम से आप सभी वाकिफ होंगे। ठीक है, और लघु अकबर किसे कहा जाता है, लघु अकबर, तो याद रखिए लघु अकबर कहा जाता है दारा सिको को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले भारतीय महाकाव्यों, भारतीय उपनिषदों, भारतीय ग्रंथों का अनुवाद, ट्रांसलेशन किसने करवाया था, अकबर ने कराया था। और अपने जमाने में दारा सिको ने बहुत सारे उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया फारसी भाषा में, इसलिए इसे उदार होने की वजह से, सैफी होने की वजह से, सभी धर्मों के प्रति लोकप्रियता की वजह से इसको लघु अकबर कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखे दारा सिको ये शाहजहां का ही पुत्र था, जिसको लघु अकबर कहा जाता है। इसकी जितनी भी रचनाएं हैं ना, उसका एक टाइटल है, उस टाइटल का नाम है सिर ए अकबर। क्या नाम है, सिर ए अकबर, उसे भी याद रखेगा। ठीक है, अगला देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था, ऐसा परीक्षा में प्रश्न आता है, तो क्या बताएंगे, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बहुत बेहतरीन सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने, पता, उस सिंहासन के ऊपर एक हीरा जड़ा था, उस हीरा का नाम था कोहिनूर हीरा। क्या नाम था, कोहिनूर हीरा। लेकिन ये कोहिनूर हीरा दोस्तों ये ज्यादा समय तक हमारे पास नहीं रहा। ये 1739 में जब भारत पर हमला किया था, किसने, नादिर शाह ने। किसने हमला किया था, नादिर शाह ने हमला किया था। तो याद रखें नादिर शाह इस मयूर सिंहासन को, जिसका एक दूसरा नाम था तख्ते ताउस, क्या बोलते थे, इसी का नाम था तख्ते ताउस। ठीक है, तख्ते ताउस बोला जाता था। तो याद रखिएगा इस तख्ते ताउस को क्या कर दिया, ये लेकर चला गया। कौन, ये नादिर लेकर के फारस चला गया, फारस का शासक था। ठीक है, तो याद रखेगा कब, 1739 में। भाई इसको कोई रोका नहीं क्या, रोकने वाला कोई था ही नहीं। क्यों, क्योंकि उत्तरवर्ती मुगल शासकों का राज्य चल रहा था उस समय। मोहम्मद शाह रंगीला क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला नवाब हुआ करता था। मोहम्मद शाह रंगीला इतना रंगीला बादशाह था कि हमेशा दारू शराब में और लड़कियां लेकर मस्त रहा करता था, उसको शासन से कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से नादिर शाह ने हमला करके उसके राज्य को लूटा, तो लूटा ही, साथ ही साथ जो तख्ते ताउस था, जो सिंहासन था, वो सिंहासन भी लेकर चला गया। इसी नादिर शाह का जो अगला उत्तराधिकारी है वो है अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम है,
अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया 1761 में, इसने हमला किया था 1739 में। परीक्षा में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग से कुछ भी नहीं आता यार। इतिहास फिक्स है, जितना इतिहास में घटना घटी है उतना ही आपसे पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ध्यान आपको देना है कि कब क्या पूछा जाता है। ये बच्चों वाले सब क्वेश्चन है, हजारों बार मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे देखते हैं, समझ गए मामला ना, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लिख रहा उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासन काल में किसने किया। थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दारा सिको ने किया था। किसने किया था? दारा सिको। और जो टाइटल था, किस टाइटल के अंतर्गत किया है, तो सिर ए अकबर के टाइटल के अंतर्गत किया है। इसे लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इतना याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सुनो क्यों कहा जाता है, मैं आपको रटाने के लिए नहीं आया हूं। जितना मेहनत करते इन टॉपिक को डिटेल से पढ़ने में ना, शायद इतना ज्यादा मजा आपको नहीं आता जितना ज्यादा मजा आपको यहां प्यारा हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पॉइंट टू पॉइंट बात हो रहा है, यहां एग्जाम के जो प्रश्न आते हैं उनके ऊपर बातचीत हो रहा है। सुनो, कभी एग्जाम में प्रश्न लेता है, भाई बताओ चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, मतलब जहां पर चित्रकारी अपने चरम सीमा पे थी, तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसी तरह से पूछता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, भाई जिसके जमाने में सबसे ज्यादा स्थापनाएं हुई हैं, भाई ताजमहल बना, लाल किला बना, मोती मस्जिद बना, तमाम चीज बने, बहुत सारी चीजें बनी हैं, ठीक है। किसके समय में? तो याद रखिए शाहजहां के समय में। इसीलिए स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है। ये 1627 से 1657 का जो पीरियड था, इसे क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। देखिए, अगर आपके मन में आ रहा हो सर क्या क्या बना, तो देखिए कुछ प्रमुख इमारतें, जैसे दिल्ली का जो लाल किला है, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, जो आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद है, ठीक है, जो ताजमहल है, इन सभी चीजों का निर्माण किसने कराया था? स्वयं शाहजहां ने करवाया था। इसलिए इसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा शाहजहां ने 1838 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। दिल्ली में यमुना नदी, यमुना के तट पर शाहजहांबाद एक नया नगर स्थापित किया गया, वहां पर जो है ये अपने राजधानी को फिलहाल लेकर गया हुआ था। तो इतना आप याद रखेगा। अगर इतनी बातें याद रखते हैं तो इससे ज्यादा शाहजहां के बारे में आपसे परीक्षा में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप तैयार रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में, क्योंकि 1657 में कहानी द एंड हो गई है। किसकी? शाहजहां की। 1658 में, अच्छा शाहजहां, यार शाहजहां के कई पुत्र थे, लेकिन औरंगजेब ने अंतिम समय में अपने पिता को बड़ा तड़पाया है, ठीक है। काल कोठरी में डाल के रखा था शाहजहां को। 1658 में गद्दी पर बैठता है और 1607 तक लगातार चलता रहता है। ये अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद उत्तरवर्ती मुगल शासक आ गए हैं, वहां पर कोई मुगल बादशाह नहीं था। उत्तरवर्ती है, थे मुगल के जनरेशन के ही, लेकिन उत्तरवर्ती श्रृंखला में उनको रखा जाता है। तो औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। लिख रहा औरंगजेब का दो बार राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करा शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहां का सूबेदार था? तो याद रखिए दक्कन के क्षेत्र का नाम सुना होगा। दक्कन में इसकी मजबूत पैठ थी। जब ये नवाब नहीं बना था, सुल्तान नहीं बना था, उसके पहले ये कहां का जो है सूबेदार था? शासक बनने से पूर्व दक्कन का सूबेदार था। लिख रहा औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। सुन्नी, आपने मुसलमानों में देखा होगा सिया और सुन्नी, तो औरंगजेब याद रखिए सुन्नी धर्म को मानता था और इसे जिंदा पीर कहा जाता था। दोस्तों ये कुरान के प्रति इतना लगाव था कि कुरान में बहुत सारी बातें गई। कुरान में कहा गया है कि मतलब जितनी भी बातें बताई, ये कुरान को अपने शासन का आधार मानता था। मैं क्या क्या बताऊं आपको, ये कुरान को अपने शासन का आधार मानता था कि जो जो कुरान में लिखा है वैसा वैसा ही करना है, ठीक है। तो जिंदा पीर भी इसे कहा जाता था और कुरान इसके शासन का आधार था। सुन्नी धर्म को मानता था, लेकिन अगर हम बात करें सैनिकों में या मनसबदारों में सबसे ज्यादा किस धर्म के व्यक्ति थे, तो याद रखिए औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदुओं की नियुक्ति कर रखी थी। ये के जो है अपवाद टाइप का मैटर बनता है, ठीक है। तो हिंदुओं की नियुक्ति सबसे ज्यादा थी, इसे याद रखेगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं,
ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए। कर वर्ष 1658 में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध। इस सामूगढ़ का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो शाहजहां के दो लड़के दारा सिंह को और औरंगजेब, इन्हीं दोनों के बीच में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। उसमें दारा सिंह को हार जाता है और किसकी जीत होती है? औरंगजेब की जीत होती है। तो याद रखिए 1658 में एकदम तुरंत ये राजगद्दी के लिए युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध गद्दी के लिए हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग में ही। तो कभी ये मत भूलिएगा 1658 सर याद रखना पड़ेगा। अरे याद क्यों रखोगे? 1657 में शाहजहां की मृत्यु और 58 में गद्दी की बात आ गई। मृत्यु छोड़ो, गद्दी की बात आ गई 58 में, तो यहां पे आ गया सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, आगे देखिए। करा इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नौवें गुरु, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दिया 1675 ईस्वी में। कब? 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। खाली किस लिए? उन्होंने इस्लाम जो स्वीकार नहीं किया। ठीक है, यह मानता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम को स्वीकार करें। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके यहां पर थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। देखिए, बहुत सारी मुगल कालीन साहित्य है, उन साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अपनी तरफ से एकदम तैयार हैं, हमें वर्दी दिला ही देनी है। मुझे लगता है जितने लोग भी बैच से जुड़े होंगे उन्हें महसूस हो रहा होगा कि क्लासेस एकदम बेहतरीन चल रही है। अगर इस तरह से और एक्सप्रेस बैच में एडमिशन लेने का पूरा फायदा आपको मिलेगा। अगर आपके जान पहचान में और भी कोई बच्चा है जो पढ़ने का इच्छुक है दिल्ली पुलिस, तो आप उसे बताइए। और आप ये भी जान रखिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? अच्छे बच्चे चाहिए जिनको सिलेक्शन लेना है, ऐसे लोग ही चाहिए। ठीक है, वो लोग आए, जल्दी से ज्वाइन करें, वीडियोस देखें, उनकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, अभी तो केवल 3 ही सब्जेक्ट चल रहे हैं, हम कंप्यूटर और करंट अफेयर की क्लासेस भी जल्दी ही अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, अभी शुरुआती समय है, एडमिशन लोग ले रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं। ठीक है, अभी आप सोचो एक्सप्रेस बैच में नितिन सर और कितना तेज भगाने वाले हैं। यार भगाऊंगा तो वहां तक, अरे यार आपको पुलिस बनना है भाई, आप दिल्ली पुलिस में जा रहे हो, भागना भगाना तो जिंदगी भर करना है। ठीक है, फिर इससे भागना क्यों? आप दौड़ो वर्दी लेकर, ऐसे आप वर्दी को समझ लो, वर्दी चोर है, आपको उस चोर को पकड़ना है, वर्दी को छोड़ना नहीं है। कैसे भी करके पकड़ लो वर्दी, एक बार पकड़ लिया ना दोस्तों मजा आ जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि फिर यार एक बात याद रखो, दिल्ली पुलिस के बाद एसआई बनाने की जिम्मेदारी फिर मेरी है। तो मैं एसआई बना के रहूंगा, आपको घबराइए मत। पहले जो लोग तैयारी करने हैं वो यहाँ की तैयारी कर लें। ठीक है, अब देखिए आगे जितने भी एग्जाम आएंगे ना, हम हर एग्जाम को फोकस करके इस तरह से बैच देंगे, एकदम प्रॉपर ध्यान में रखते हुए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और हमें क्या पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बहुत सारी देखिए मुगलकालीन साहित्य है, उनके बारे में आपको बता दिया जाता है। जैसे पूछता है कि रामायण का फारसी में जो अनुवाद हुआ वो किसने किया था? ठीक है, रामायण का, तो रामायण का अनुवाद किया था बदायूनी ने। हालांकि इसका जो योगदान रहा है वो महाभारत पे भी रहा है, लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बदायूनी जो है वो फारसी भाषा में अनुवाद किया है किसका? रामायण का। भगवत गीता के अनुवाद से संबंधित कौन है? टोडरमल का नाम भी इसमें आता है, जबकि टोडरमल राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है ये मौलाना मोहम्मद शाह ने किया था, तो याद रखेगा। ठीक है, लीलावती का फैजी ने किया था, फैजी बड़ा भाई था अबुल फजल का, बता दिया गया अकबर के नौरत्नों में से एक था। कालिया दमन दोस्तों, ये अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया है, कालिया दमन। ठीक है, ये सब प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अकबर नामा जो था ये अकबर के ऊपर लिखी गई थी, इसको भी अबुल फजल ने लिखा है। बाबर नामा दोस्तों याद रखे, इसको स्वयं बाबर नामा जो लिखा गया था उसको तुजू के बाबरी नाम से बाबर ने लिखा था, लेकिन बाद में उसका अनुवाद जो फारसी भाषा में हुआ है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। हुमायूं नामा का फारसी अनुवाद क्या उसी में लिखा गया था, गुलबदन बेगम। ठीक है, इन्होंने किया है, इनकी बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक है, तो याद रखेगा तुजो के बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने, जबकि अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे प्रश्न यहां पर दे दिए गए आपको। आगे देखिए, करा औरंगजेब ने 1979 में एक बार फिर से जजिया कर लगा दिया, जिस जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। कब समाप्त किया था? परीक्षा में प्रश्न आ जाए, कल मैं पढ़ाया था आपको, लेकिन आपकी तो आदत है भूलने की, मुझे पता है भूल चुके हैं। ठीक है, तो याद रखे दोस्तों, कब किया था? 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। 1563 में मैंने बताया था क्या किया था, बताइए सोच के, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। किसको? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया था? 1563 में, और जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था अकबर ने। लेकिन फिर से 1679 ईस्वी में 1679 में किसने
याद रखिए औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात अब कौन गद्दी पर बैठता है, तो याद रखिए बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर मत बोलिएगा, ये जो जफर टाइटल है वो बहादुर शाह द्वितीय का टाइटल है, ठीक है, इसलिए जफर आपको यहां नहीं बोलना है, यहां बोलिए बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लिख रहा औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, बीजापुर, ठीक है, और उसको अपने राज्य में मिला दिया था, और आगे चल के 1697 में, दो ही जगह थे इंपॉर्टेंट, एक बीजापुर एक गोलकुंडा, ठीक है, तो गोलकुंडा को 97 में और 86 में किसको, याद रखे बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से आसिरगढ़ वाली लड़ाई 1601 में अकबर ने लड़ा था, उसी तरह से ये लड़ाई भी इसकी प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने राज्य से बाहर निकाल दिया, बोला यहां से भाग जाओ वरना यहां लोग काट के फेंक देंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों इसका नाम क्या था, चाइल्ड, बच्चा इसको समझा, ठीक है, औरंगजेब ने क्या माना, बच्चा, कि बच्चे यहां से निकल जाओ, इसका नाम भी देखिए सर जॉन चाइल्ड है, तो चाइल्ड बच्चा, और बच्चे को औरंगजेब ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तो आप ऐसे करके अगर पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। देखो पढ़ना पढ़ाना अपनी जगह है, आपने हजार बार पढ़ा होगा, लेकिन परीक्षा में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाता है, कितनी आपकी तैयारी हो पाई है, वो बड़ी बात, और मुझे लगता है मेरी इस बात को आप ध्यान में रखें, कभी क्वेश्चन आएगा ना तो चाइल्ड वाला बात आपके दिमाग में क्लिक करेगा और आप सही उत्तर कर दोगे, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। करा अकबर ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था, पहले ही बता दिया, उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। लिख रहा 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया, दोस्तों औरंगजेब का एक सेनापति था जयसिंह, ठीक है, उसके साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, किसने, शिवाजी ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है, दोस्तों याद रखेगा 1665 में पुरंदर की प्रसिद्ध संधि हुई है। मैं पुरंदर की संधि की चर्चा जब आपको मराठा साम्राज्य पढ़ाऊंगा आधुनिक भारत के इतिहास में तो वहां करूंगा आपसे, ठीक है, तो घबराइए मत, अभी इस पॉइंट को होल्ड करते हैं। करा दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद, देखिए मोती मस्जिद से दो प्रश्न आता है, ठीक है, एक दिल्ली में मोती मस्जिद बनाई गई है दिल्ली के लाल किले में, ठीक है, और एक मोती मस्जिद आपके आगरा में, ठीक है, एक देखिए दिल्ली में है और एक कहां पर है, आगरा में है, दो प्रश्न है यहां पर, ठीक है, तो आगरा वाली मोती मस्जिद याद रखिए किसने बनाया, क्योंकि आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल के पास वाली जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है, ठीक है, आप परीक्षा में देखिए पूछा क्या है, और दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया है। यही होता है, एक टीचर क्या करता है, आपको तोड़ करके चीजों को बताता है कि बाबू गलती यहां पर मत करना, आप ध्यान देना, अगर यहां गलती कर दिया अनायास का तो एक नंबर आपका चला जाएगा। मोती मस्जिद देखो क्या पूछा है कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने। कैसे याद रखोगे, आगरा में ताजमहल है, ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने कराया, वो प्रिय स्थल है ना इसका, ठीक है, और दिल्ली वाले लाल किले में किसने कराया है, तो वहां पर औरंगजेब ने कराया, ध्यान दीजिएगा ये मोती मस्जिद नाम है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया, कुरान में है, कुरान में संगीत होंगे सुनना जो है ये, इस पर पाबंदी लगाई गई, ठीक है, तो जिंदा पीर ये कहा ही जाता है, तो इसने क्या किया, संगीत पर ही पाबंदी लगा दिया। ऐसे आपको पता होगा, मैंने पढ़ा था आपको चिश्ती सिलसिला, उसमें मैंने बताया कि चिश्ती सिलसिला में ये कहा गया कि भक्ति ही आधार है, ईश्वर तक पहुंचने का आधार है भक्ति, ठीक है, और वहां गाना बजाना संगीत को सबसे आसान माध्यम माना गया। वहीं जो नक्शबंदी संप्रदाय है वो इस संगीत का उल्लंघन करता है, वो इसके विरुद्ध बात करता है, और बताया था नक्शबंदी को याद रखें नोटबंदी, ठीक है, तो नोटबंदी याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है कि किसने मना किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, करा औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में। अब एक बार बताओ, एक तरफ देखो कितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहां देखने को आता है, एक तरफ कहा गया कि पाबंदी लगा दिया, दूसरी तरफ जो भारतीय शास्त्रीय संगीत था उस पर सबसे ज्यादा रचनाएं औरंगजेब के काल में हुई। इतना ही नहीं, औरंगजेब को उस जमाने के सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा जो मां सरस्वती बजाती हैं, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कहा जाता है, औरंगजेब उसको बजाते हुए दिखाया गया है। तो कोई भी व्यक्ति को अगर यह बताया जाए कि आप वीणा के साथ फोटो खिंचाए हो, इसका मतलब आपको प्रेम होगा संगीत से, ऐसा तो नहीं कि आप उसके विरुद्ध होंगे, लेकिन देखो यहां पर कितनी गजब बात है, ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखना है। लिख रहा है औरंगजेब ने स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था लेकिन संगीत पर पाबंदी,
तो ये चीजें होती हैं। अगर ये चीजें मैं आपको बताऊं नहीं तो आपके दिमाग से स्किप कर जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार था छत्रसाल, उसने बड़ा विद्रोह करके रखा था। उसी के समय में सतनामी विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, औरंगजेब के समय से रिलेटेड है। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिस क्रम में वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर था, जो आपका सोमनाथ मंदिर है, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। ठीक है, अयोध्या का राम मंदिर टूट गया। ठीक है, तो बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके उसकी जगह पर औरंगजेब ने क्या किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण कराना शुरू किया। किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, 1665 में कारनामा शुरू हुआ था, उसी समय पुरंदर की संधि भी हुई थी। लिख रहा औरंगजेब काफिरों के देश को इस्लाम के देश में परिवर्तित करना चाहता था और यही उसका एकमात्र लक्ष्य था। वो भारतवासियों को अपना हित मित्र, अपनी प्रजा नहीं समझता था, वो भारतवासियों को काफिर समझता था। ठीक है, और काफिरों का नाश करने वाला सबसे पहले कौन था, बाबर। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर औरंगजेब ने ये इस देश को इस्लामिक कंट्री के रूप में बदलना चाहा। करा औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों पर विजय प्राप्त किया था, बताया तो 1686 में बीजापुर में और 1697 में गोलकुंडा पर विजय प्राप्त किया था। बताया ना आपको, अभी पीछे बताया, अब इतना जल्दी भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। कर औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सर्वाधिक रूप सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर, सार्वजनिक नृत्य पर, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। पता नहीं क्या दिक्कत था, खुद बीड़ा बजाने में निपुण। ठीक है, फोटो खिंचा रहे हैं पर जो टकसाल में जो सिक्के छप रहे हैं उसमें इनके इमेजेस आ रहे हैं, लेकिन यहां पर पाबंदी लगी हुई थी, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुगल कालीन प्रशासन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रशासन एक ऐसा टॉपिक है, इस बार मुझे लगा कि देखिए यहां से क्वेश्चन आने का चांस तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर पेपर कठिन बनता है तो पूरा चांस है कि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आप में से ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, अभी तक जो पढ़ाया वो जनरली ज्यादा लोग पढ़ते हैं, और अब जो पढ़ाने जा रहा हूं ये जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आप जानो क्यों नहीं पढ़ते, लेकिन मैं बताने जा रहा हूं। लिख रहा मुगलकालीन व्यवस्था को जानने के लिए निम्नलिखित स्रोत हैं। कैसे पता चलता है मुगल कालीन में कैसी व्यवस्था थी, उसके समाज के बारे में, प्रशासन के बारे में, सैन्य व्यवस्था, स्थापत्य कला, कैसे पता चलता है, किताबों से पता चलेगा, जो लोगों की कृतियां हैं। सर दो चार कृतियों का नाम बता दीजिए, तो लिख लीजिए आईने अकबरी, जिस पर काम किया अबुल फजल ने, यह भी एक कृति है, तो अकबर के समय का उल्लेख यहां से मिल जाता है। एक है इकबाल नामा जहांगीरी, यहां जहांगीर भी नहीं है लेकिन मोहम्मद खां के द्वारा रचना किया गया है। अब्दुल हमीद लाहौरी, यह पादशाह नामा का रचना किया है। निजामुद्दीन ने रचना किया है तुजुके जहांगीरी और तबकात ए अकबरी, यह रचना किया है निजामुद्दीन ने। बदायनी ने लिखा है मुतंखब उल तवारीख। ठीक है, यह सभी रचनाएं हैं जिसके माध्यम से उस जमाने के बारे में पता चलता है। चलो कुछ स्पेशल चीजें मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मुगल काल में जो वजीर होता था उस वजीर को प्रधानमंत्री कहा जाता था। क्या बोलते थे, मुगल काल में वजीर का जो पद होता था उसे क्या मानते थे, प्रधानमंत्री। लेकिन उसके अलावा नवाब अलग से होता था। ठीक है, राजा अलग होता था, यह प्रधानमंत्री होता था। जो मंत्रिपरिषद होती थी, जैसे आज हमारे यहां मंत्रिपरिषद होती है ना, ठीक है, कैबिनेट, ठीक है, उसी तरह से उस जमाने में जो मंत्रिपरिषद हुआ करती थी उसको क्या कहते थे। परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है कि मुगल कालीन मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है, क्या बताएंगे, विजारत कहा जाता है। क्या बताएंगे, विजारत कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर कठिन बना तो मध्यकालीन इतिहास से यही एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, वो कमजोर होते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस में पढ़ाया जा रहा तो बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ध्यान दो कि अभी तक आपने हजार बार पढ़ा लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, अब दिलाया जा रहा है। दो, विजारत बोलते हैं, मंत्रिपरिषद को विजारत बोला जाता है। इसी तरह से सैन्य बख्शी जो होता था, यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। क्या बोलते थे, मीर बख्शी, सैन्य बख्शी नहीं, मीर बख्शी को याद रखिए, सैन्य विभाग का प्रमुख माना जाता था, मीर बख्शी। सद्र उस सुदूर, ठीक है, ये सद्र उस सुदूर जो था यह धार्मिक विषयों पर परिचर्चा करता था, उसका हेड होता था, अध्यक्ष होता था, सद्र उस सुदूर। ठीक है, करा अकबर के समय में जो प्रधानमंत्री था उसे वकील, वजीर के जगह पर वकील भी बुलाया जाता था, और जो वित्त मंत्री था उसको वजीर कहा जाने लगा। समझिए, पहले प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था ना, लेकिन बाद में इसको वकील कहा गया और वित्त मंत्री जो होता था उसको वजीर बोला गया। किसके समय में, अकबर के समय में। प्रश्न बन सकता है, बन जाए तो आधा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर प्रश्न आ जाए कि अकबर के समय में प्रधानमंत्री के पद पर पद को किस नाम से जाना जाता था, वजीर, वकील, विजारत,
ठीक है ऐसे दे दे तो क्या बताएंगे, वकील बोलिएगा, वजीर मत बोलिएगा, क्योंकि अकबर के समय में कहानी कुछ और थी। ठीक है, करा ब्यूतात। ब्यूतात क्या होता था दोस्तों, ये जो शाही महल होता था, शाही महल हुआ महल होता था जहां राज परिवार रहता था, राजाओं का जो परिवार है वो जहां निवास करता था उसे शाही महल कहा जाता था, और उसकी देखरेख करने वाला कौन होता था, ब्यूतात, वो अधिकारी होता था, ब्यूतात नाम होता था। ठीक है, तो उसको याद रखेगा। टकसाल का जो अधिकारी होता था, टकसाल जानते ना, जहां मुद्रा बनती थी उसके अधिकारी को दरोगा कहते थे, दरोगा। ठीक है, दरोगा, टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। करा मनसबदारी प्रथा मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा जो क्या थी, वो मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार थी, क्योंकि इसी के तहत लोगों को मनसब दिया जाता था। तो याद रखिए, इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अरबी भाषा में मनसब का अर्थ होता है पद, मैंने बोला ना औकात अपनी भाषा में पद। ठीक है, और मनसब जो है वो प्रतिष्ठा का सूचक था, किसकी औकात कितनी ज्यादा है। ठीक है, वो प्रतिष्ठा का सूचक था। करा अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, ये मंगोल नेता चंगेज खा के हां दशमलव पद्धति चला करती थी, उससे मेलजोल खाती है। तो परीक्षा में ये भी पूछता है कि अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा लागू किया था वो किस पर आधारित था, तो याद रखे बाइनरी नंबर पर, दशमलव प्रणाली। ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। करा प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा किसमें होता था, आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर अगर किसी चीज पर प्रशासन करना है तो उस पर मुगल साम्राज्य का बंटवारा कैसे होता था, सबसे बड़ा होता था सूबा। जैसे कुछ टाइम पहले बताया गया अभी आपको कि नवाब बनने से पूर्व, ठीक है, या गद्दी संभालने से पूर्व औरंगजेब कहां का सूबेदार था, आपने पढ़ा दक्कन का सूबेदार था, पढ़ा ना, तो ये सूबेदार कौन होता था, जो सूबों के ऊपर अपनी निगरानी रखता था, हेड होता था, उसे सूबेदार कहते थे। जैसे आज आज कहा जाता है ना, आप कभी कभी देखिए पेपर में, न्यूज में अक्सर सुनने को मिल जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सूबा, सूबा मतलब ये जो प्रदेश आज हम देख रहे हैं वो उस जमाने में सूबा कहा जाता था। ठीक है, सूबा के बाद दोस्तों याद रखिए सूबों, देखिए यहां पर कह रहा है कि सूबों में, सूबों का सरकार में, ठीक है, इसके बाद सूबा के बाद कौन आता था, सरकार आती थी। ठीक है, सरकार, सरकार के बाद कौन आता था, परगना, उसके अंदर में बता रहा है परगना, परगना को ही एक और नाम दिया जाता था महाल। ठीक है, महालवाड़ी का नाम सुना होगा, हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी प्रथा शुरू किया था। ठीक है, महाल, महाल का जिला में बटा था, जिला दस्तूर में बटा था, किसमें, दस्तूर में बटा था, और दस्तूर जो है वो गांव में बटे थे, तो इस तरह से बना हुआ था। तो इसको जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीरियल क्रम लोगों को जनरली याद नहीं रहता। फिर देखिए सूबा है, फिर सरकार है, फिर परगना है, परगना ही महाल है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, परगना है, जिला है, दस्तूर है, और ग्राम है। ठीक है, तो जिला, दस्तूर, ग्राम, ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लिख रहा है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, सबसे नीचे ग्राम है, ग्राम को एक दो और नामों से जाना जाता है, जैसे मावदा, क्या बोलते थे, मावदा या डी बोला जाता था। ठीक है, डी, ठीक है, मावदा या डी कहा जाता है, और मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिसे नागला बोलते थे, क्या बोलते थे, नागला, याद रहेगा क्या, मुझे लगता है नहीं याद रहेगा। ठीक है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप जाकर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इतना डीप जाकर आपको चीजें नहीं मिलेंगी, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां पर फिर से याद रखिए, सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, गांव को डी कहा जाता था, डी काली, ऐसे याद रखे, लोग बोलते हैं ना डी काली पूजे जाते हैं, तो डी से डी ही याद रखे। ठीक है, मावदा या डी, और उसके अंतर्गत जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी उसको नागला बोलते थे, क्या बोलते थे, नागला। ठीक है, आगे देखिए, अकबर ने जजियाकर को कब समाप्त किया, 1564 में, और 1679 में किसने फिर से चालू कर दिया, औरंगजेब ने, कब चालू कर दिया, अच्छा लिखा तो है यहां पर 1679 में औरंगजेब ने जजियाकर को फिर से लागू कर दिया। मुहम्मद शाह ने फिर से जजियाकर को 1720 में समाप्त कर दिया। ये मुहम्मद शाह, मुहम्मद सर रंगीला है, जिसके समय में किसका आक्रमण हुआ था, आपके नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। ठीक है, तो देखिए 1719 से लेकर 1748 तक बहुत लंबे समय तक गद्दी पर बैठा रहा। ठीक है, याद रखिए, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। लिख रहा अकबर ने 1560 ईस्वी में भू राजस्व की नई प्रणाली निकाली, और जब जब भू राजस्व की बात आती, मैं आपको हजार बार समझाया हूं, टोडरमल का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन, टोडरमल। ठीक है, टोडरमल याद रखिए, टोडरमल ने जब्ती प्रणाली लाया, यहां पर करोड़ी मल भी व्यवस्था होता था, करोड़ी मल मतलब जहां 1 करोड़ राजस्व वसूलने का टारगेट होता था, तो करोड़ी व्यवस्था, दशाला व्यवस्था, बटाई और नस्ल व्यवस्था, ये अलग अलग व्यवस्थाएं थी, भू राजस्व की नई प्रणालियां थी जो अकबर के समय में चर्चित थी।
कर सेन शाह द्वारा भू राजस्व के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति राई एक पद्धति था। पूछता है कि राई पद्धति का उपयोग सबसे पहले किसने किया या राई पद्धति किससे संबंधित है, भू राजस्व से संबंधित है, सैन्य व्यवस्था से संबंधित है, किससे संबंधित है, क्या बताएंगे? राई भू राजस्व संबंधित व्यवस्था थी और अकबर ने इसका इस्तेमाल किया। इसको सबसे पहले शेरशाह सूरी ने लागू किया था। किसके लिए? भू राजस्व के लिए। ठीक है, भू राजस्व कुछ है नहीं, लगान वसूलने का टेक्निक है केवल। ठीक है, लिख रहा अकबर द्वारा करोड़ी मल नाम का अधिकारी जो होता था उसका काम क्या होता था, वो 1 करोड़ रुपए वसूलने की जिम्मेदारी उसकी थी, इसीलिए उसको करोड़ी बोलते थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अकबर ने अपने शासन काल में नस्क प्रणाली को अपनाया था। जो राजस्व की राशि थी, जितना भू राजस्व लिया जाता था, उपज का आधा, मतलब 50% आपको किसको देना है, नवाब को देना है, ये ध्यान रखिए, इतना ज्यादा जो है यहां पर लगान लगता था। 1580 में अकबर ने वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमत और उत्पादकता के आधार पर दहसाला पद्धति को विकसित किया कि भाई यार ऐसे जबरदस्ती किसी का आधा धन ले जाना अच्छी बात नहीं है, उसके लिए एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो वास्तविक उत्पादन कितना हुआ उसको आधार मानकर काम किया गया। पहले क्या होता था, लगान फिक्स हो जाता था, आपको इतना देना ही देना है, अब आपके यहां उत्पादन हुआ नहीं हुआ उससे किसी कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर अकबर ने इस व्यवस्था को चेंज किया। करण नकदी फसलों को क्या बोलते थे, जिनसे आला। ठीक है, जिनसे याद रखिए, जिनसे आला, टेंशन में नहीं पड़ने का मांगता भाई, आराम आराम से, एक्सप्रेस बैच है लेकिन हमें लड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि ट्रेन अपने स्थान पर पहुंचने से पहले ही लड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, नहीं, एक्सीडेंट नहीं होना है, थोड़ा राहत कर लो, थोड़ा सा। आप सोचो, आप तो पढ़ रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, कितनी सारी क्लासेज होती हैं, कितने सारे वर्क होते हैं, उसके बावजूद भी इतना मेहनत हो रहा है। कसम से अगर आपने भी इतना मेहनत करने का ठान लिया कि मैं नितिन सर कितना मेहनत करूंगा ना, तो जान लो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई रोक ही नहीं सकता यार। मेहनत ही तो इंसान देखता है। और एक बात सत्य कहा गया, अगर आपने कर्म किया है तो फल की चिंता आप मत करो, फल भगवान आपको दौड़ा के देंगे। आप पढ़ाई के पीछे भागो, ठीक है, लक्ष्मी आपके पीछे भागेंगी, आप खाली पढ़ाई की तरफ जाओ तो सही, ठीक है, टेंशन मत लो। ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो नकदी फसलों को, नकदी फसल क्या होता है, जिसे बेचने के उद्देश्य ही बोया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कपास की खेती कर ले तो क्या करेगा, कपास खाएगा, कपास रुई टाइप का होता है, कपड़े बनते हैं उनसे, ठीक है, सूती वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं। चाय की खेती कर लिया, क्या करेगा, बेचेगा। तो गन्ने की खेती कर लिया, कॉफी की खेती कर लिया, नील की खेती कर लिया, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब नकदी फसल है और नकदी फसल को जिनसे आला कहा जाता था। अच्छा, खालसा भूमि क्या होती है दोस्तों, आपसे परीक्षा में आता है कभी कभी, आप सामने देता है, आप परेशान हो जाते हो, खालसा भूमि, जागीर भूमि। अब देखो खालसा में क्या होता है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में जो भूमि होती है उसे खालसा भूमि। अरे आज के जमाने में जो एकदम गवर्नमेंट वाली जमीन नहीं होती जहां पर आप कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकते, उसी तरह से वो खालसा भूमि होती थी, ये सरकारी भूमि होती थी एक तरह से, खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि। दूसरा लिख रहा जागीर भूमि, इसमें क्या होता है कि कभी कभी सरकार क्या करती थी, मतलब उस समय के नवाब क्या करते थे कि तनख्वाह के बदले में जमीन दे देते थे, यार तनख्वाह नहीं है ये वाला, जमीन इनको दे दिया जाए, ठीक है, तनख्वाह के बदले में जमीन दे दिया जाता था, उसे जागीर कहा जाता था, इसलिए जागीरदारी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहां पर तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि है। इसी तरह से सयुर्गल था, सयुर्गल या मदद ए मास कहा जाता था, यह क्या होता था, ये अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि हो जाती थी। कभी-कभी नवाब क्या हो जाता था, किसी से खुश हो जाता था, जाओ ये जमीन मैंने तुमको दिया, इस पर अब तुम कुछ भी खेती करोगे तुम्हारा कोई लगान नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं देना है, गजब का। ऐसा भी होता था क्या? हाँ, ऐसा भी होता था, यानी लगान बिना लगान की भूमि खुशी खुशी मिल गया किसको, जिसका मिलता था वो तो धन्य हो जाता था। सयुर्गल बोलते थे या मदद मास कहा जाता था, ठीक है, याद रखे करा। इस प्रकार की भूमि मिल्क कहलाती थी, मिल्क, ठीक है, दूध ही दूध। हाँ, अरे सही बात है यार, जहां कुछ देना नहीं, अगर आपसे कहा जाए कि फला बिजनेस खोल लीजिए, सरकार को 1 रुपया टैक्स नहीं देना, अरे भैया पूरी दुनिया उसी बिजनेस में टूट पड़ेगी। ठीक है, चलो, करा उत्पादकता के आधार पर भी भूमि का वर्गीकरण किया गया था, भाई प्रोडक्शन के आधार पर भी अलग अलग टाइप के भूमि थे। जैसे जैसे लिख रहा पोलज भूमि, प्रति भूमि, पोलज भूमि क्या होता है, कह रहा है जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है, जैसे आज के समय में जो जलोढ़ मिट्टी वाली भूमि होती है, जो नदियों के आसपास के क्षेत्रों में होती है, वहां खूब उत्पादन होता है, प्रोडक्शन खूब होता है, क्यों, अरे उनको जल धूप सब मिलता रहता है। इसी तरह से जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होती थी या जहां पर प्रतिवर्ष खेती होती थी उसको पोलज भूमि कहा जाता था। क्या बोलते थे? पोलज। अब समझ में आ रहा है कि एक लेबल है इस बैच का, ठीक है,
एक लेबल है, बस आप मन से पढ़ो, ठीक है। पोलज भूमि कहा जाता था, इसी तरह से परती भूमि हुआ करती थी। क्या होती थी? परती भूमि। लिख रहा पोलज से तो थोड़ा सा कम उपजाऊ वाली होती थी, उसको परती कहा जाता था। आज भी आप जानते होंगे कई सारे भूमि को परती छोड़ना, अब तो परती अलग नाम में आता है, लेकिन ये परती होती थी, ठीक है। इसको थई, इसके पश्चात दोस्तों बोई जाने वाली भूमि को थई बोलते थे। एक चाचर भूमि होती थी जिसमें एक लंबे समय बाद, 3-4 वर्षों के बाद जाकर के उसमें खेती किया जाता था, कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी जो उत्पादकता है वो फिर से बरकरार, उत्पादकता नहीं उर्वरकता जो मिट्टी का वो फिर से बरकरार हो जाए, तो चाचर भूमि होता था। एक होता है बंजर भूमि, जिसको हमेशा के लिए छोड़ दो, वहां कुछ उत्पादन नहीं होता था, वो बंजर भूमि कहलाता था। इसी तरह से दोस्तों मुगलकालीन सिक्कों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जाइए मत, अभी बहुत कुछ पढ़ना सीखना बाकी है, ठीक है। आगे देखिए मुगलकालीन सिक्के। लिख रहा अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया था और उसका अध्यक्ष कौन था? अब्दुल समद। कौन था? अब्दुल समद। सर अब्दुल समद बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, कई जगह पे अब्दुल समद का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ सही कह रहे हो, तो अब्दुल समद जो है उस टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया था। जो आना था ना, आना मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, आप जाकर वीडियो देखिए, आना जो आना सिक्के थे ये शाहजहां के द्वारा चलाए गए थे। आपने पढ़ते थे ना, आप आना नहीं जानते, अरे आपने नाम सुना होगा 4 आना, 8 आना, 54, 58, 25 पैसा, 50 पैसा, 16 आना का 1 रुपया होता है, ठीक है। तो ये आना किसके समय में चलाया गया था? ये शाहजहां के समय में चलाया गया था, ठीक है, इसको याद रखेगा। करम मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को क्या बोलते थे? दरोगा। पहले ही बता दिया हम आपको। आगे देखिए जहांगीर के कुछ सिक्कों पर उसके हाथ में शराब का प्याला दिखाया गया। प्रश्न भी पूछता है भाई किसके सिक्कों पर प्याला लिए हुए दिखाया गया, किसको प्याला लिए हुए दिखाया गया, तो आप बताइए। जहांगीर को शराब का प्याला लिए हुए सिक्कों पर दर्शाया गया। वहीं औरंगजेब शराब से दूर होता था, क्यों? कुरान में शराब, अरे बाप रे, पाप है, पाप है, पाप है, ठीक है, वो दूर होता था शराब से, संगीत से, म्यूजिक से, लड़कियों से बहुत दूर रहता था, जिंदा पीर, एकदम कुरान को लाइन टू लाइन फॉलो करने वाला था। कौन? औरंगजेब, ठीक है। उसको वीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है, उसको भी याद रखेगा, तो इसको याद रखेगा। करा अकबर के सिक्कों पर तो राम सीता की आकृति भी देखने को मिली है, इसके अलावा दोस्तों सूर्य और चंद्रमा की महिमा भी देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि जगह जगह पर सूर्य और चंद्रमा की आकृति भी देखने को मिली है अकबर कालीन जो सिक्के थे उसमें। तो ये सब प्रश्न क्या परीक्षा में नहीं आएंगे? आ सकते हैं। अगर आप नहीं तैयार हो तो तैयार हो जाओ, परीक्षा का स्टैंडर्ड बदलेगा और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। लिख रहा अकबर ने आसिरगढ़ विजय की स्मृति ने अपने सिक्कों पर बाज की आकृति जो है बनवाई थी। आसिरगढ़ के किले पे जो चढ़ाई करने के लिए अकबर गया हुआ था, 1601 में गया हुआ था, उसके बाद 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। 1601 में दोस्तों जब आसिरगढ़ पे गया ना, आसिरगढ़ के किले को सोने की कुंजी कहा जाता था, क्यों? बहुत सारा धन इसमें था। वहां से जीत के आने के बाद इसने क्या किया, जो सिक्के चलाए उस पर बाज की आकृति बनी, ठीक है, बाज, ठीक है, जीत का निशान। करा औरंगजेब के सिक्कों पर तो कलमा खुदवाना जो खुदते थे वो बंद करा दिए गए, खुदाई नहीं हुआ, कलमा नहीं, बहुत प्यार करता था इन सब चीजों से, ठीक है, तो ये बंद करा दिया। मुगल काल में जो रुपए की सर्वाधिक ढलाई थी वो औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा रुपए की ढलाई हुई है। रुपए की शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया था। रुपया जो चांदी का सिक्का होता था, मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान दीजिए, जो चांदी का सिक्का होता था उसको क्या बोलते थे? उसका नाम ही हुआ करता था रुपया, ठीक है। अब तो कागज वाले नोट को भी रुपया बोला जाता है, वरना केवल चांदी वाले को रुपया बोलते थे। और जो तांबा का होता था उसको दाम बोलते थे, क्या बोलते थे? तांबे वाले को दाम बोलते थे और चांदी वाले को रुपया कहा जाता था। लिख रहा जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई और उसमें नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया। नूरजहां का एक दूसरा नाम क्या है? मेहरुन्निसा। क्या नाम है? मेहरुन्निसा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, करा सबसे बड़ा सिक्का संसब का था। संसब क्या होता था? सोने के सिक्के को संसब कहा जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ये इलाही, अच्छा इलाही सबसे प्रचलित स्वर्ण सिक्का हुआ करता था, इलाही, उसको भी ध्यान दीजिएगा। दाम का प्रयोग दैनिक लेनदेन में हुआ करता था, तांबे का सिक्का हुआ करता था। सर सिक्का सिक्का सिक्का, सर कुछ और बता दीजिए सिक्का के बारे में, कुछ ऐसा कि सिक्के से संबंधित अगर कोई प्रश्न आए ना तो गलत ना हो हमसे, ठीक है सर, कुछ ऐसा बता दो। सुनो चलो मुगलकालीन सिक्कों के बारे में पूरा डिटेल आपको दे देता हूं, सुनो ध्यान से। जैसे एक आता है आपसे पूछता है असरफी, सबसे पुराना है असरफी हो गया, मुहर हो गया या शहंशाह हो गया। एक सिक्का है उसका नाम है शहंशाह, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऐसा सिक्का भी हो सकता है, और एक तो सिक्का है शाहरुख खान। सर मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं,
एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शाहरुख खान भी सिक्के का नाम है तो शाहजहां की शहंशाह क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखिए असरफी, मुहर, शहंशाह ये सभी सोने के सिक्के हुआ करते थे और अकबर के समय में चलाए गए थे। अटमा जो होता था दोस्तों, अटमा भी सोने का सिक्का होता था, अकबर के समय में चलाया गया था। विसात जो होता था ये भी सोने का सिक्का था, अकबर के समय में चलाया गया था। चुगल जो था ये भी सोने का सिक्का था, अकबर के समय में चलाया गया था। रुपया ये चांदी था, चांदी का बना हुआ था, शेरशाह सूरी ने इसको चलाया था। शाहरुख की बात करते दोस्तों तो ये भी चांदी का सिक्का था लेकिन इसको बाबर ने चलवाया होता। सबसे पहले बाबर ने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के को चलाया था, काबुल में चलाया था, उस समय वहीं था वहीं चलाया था, ठीक है। बाबरी दोस्तों ये भी चांदी का सिक्का था, बाबरी बाबर ने चलाया था। जलाली दोस्तों ये भी चांदी का सिक्का था लेकिन अकबर ने चलाया था। इलाही जो था ये सोने का सिक्का था, इसको भी अकबर ने चलाया था। अगर आप इतनी बातें याद कर लेते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, वैसे अलाउड नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, घबराओ मत, चीजों को नोट डाउन करने का आदत डालो थोड़ा सा। अगर जरूरत मुझे महसूस हुई कि आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराना चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, लेकिन अभी नहीं, अभी अपनी डिपेंडेंसी थोड़ा कम रखिए, पढ़ाई पर डिपेंडेंसी थोड़ा अधिक रखिए तो ज्यादा सही है, ठीक है। लास्ट टाइम मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, अभी आप आराम से पढ़ते जाओ, इलाही हो गया। इसी तरह से देखो आना जो था ये भी चांदी का सिक्का था और आना को शाहजहां ने स्टार्ट करवाया, ठीक है। निसार ये भी चांदी का सिक्का था, ये जहांगीर ने स्टार्ट कराया। दाम ये तांबे का सिक्का था, दैनिक लेन देन के लिए दाम का इस्तेमाल किया जाता था, ये अकबर ने चलाया था। और जीतल ये भी तांबे का सिक्का था, ये जहांगीर ने चलाया था। जीतल जैसे जहांगीर, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट सिक्के थे जो मुगल काल से संबंधित थे। अब आपको आराम मिल रहा है, आ रहा होगा आराम, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मुगल कालीन प्रशासन, मुगल शासन में प्रचलित तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे, अब ये पूछोगे क्या कहलाते थे, दाम और जीतल। दाम चलाया था अकबर ने, जीतल चलाया था जहांगीर ने, याद रहेगा क्या, दाम और जीतल दोनों तांबे के सिक्के थे। आगे लिख रहा दिल्ली का वह शिक्षा का केंद्र जिसे मदरसा या बेगम कहा जाता था, तो ये दोस्तों ये मदरसा या बेगम, अच्छा याद रखिए इस मदरसा या बेगम को स्टार्ट किया था माहम अनगा ने, ठीक है, महान अनगा हरम दल की हेड के रूप में जानी जाती थी, ठीक है, तो याद रखिएगा माहम अनगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखिए किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, तो उसका नाम था निकोलाओ मनुची, क्या नाम था, निकोलाओ मनुची को चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। मनसबदारी के संदर्भ में दू अस्पा और सिंह अस्पा, कल मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इस टॉपिक को डिस्क्लोज नहीं किया। देखो दू अस्पा माने होता है जिनके पास दो घोड़े थे, सिंह अस्पा माने होता है जिनके पास तीन घोड़े थे, ठीक है। तो मनसबदारी के संदर्भ में दू अस्पा और सिंह अस्पा होते थे और ये जहांगीर ने लागू कर रखे थे अपनी सैन्य व्यवस्था को देखने के लिए और मजबूत बनाने के लिए। करा जात क्या होता है, करा जात किसी मनसब के व्यक्तित्व, व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था, ठीक है, कि वो किस जात का है। जात मतलब ये जाति नहीं, जात मतलब उसके पद प्रतिष्ठा का सूचक था। और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक हुआ करता था, ठीक है, तो जात और सवार भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत और चित्रकला से संबंधित भी कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूं। लिख रहा अनवर ए सुहौली, ये अनवर ए होली जो ग्रंथ है इसका अनुवाद, भारतीय अनुवाद किसने किया है, अच्छा किसने किया वो छोड़िए, ये किसका अनुवाद है, तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा 45 भाषा में अनुवाद जो हुआ है वो पंचतंत्र का अनुवाद हुआ है। पंचतंत्र की रचना कौन किया है, विष्णु शर्मा ने किया है, कौन किया है, विष्णु शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया, हुमायूं की बहन थी, बता दिया आपको, ठीक है, तो याद रखिएगा ये मुगल कालीन ऐतिहासिक विवरण इसमें देखने को मिलता है। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र पढ़ाया जाता था वो मदरसा कहां पर था, तो याद रखिए मुस्लिम न्याय शास्त्र के जो प्रसिद्ध मदरसा था वो लखनऊ था, कौन था, लखनऊ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। हुमायूं के मकबरे, अच्छा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना था आप सभी को पता है, ठीक है, याद रखेगा। और दोहरे गुंबद वाला पहला मकबरा माना जाता है हुमायूं का मकबरा, दोहरे गुंबद वाला। इसके अलावा चार बाग पद्धति पर इसका निर्माण कराया गया था, तो भी आप इसको याद रखेगा। करा हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए प्रमुख लोग, दोस्तों मुगल काल के बहुत सारे लोगों को ये हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया। जैसे अगर हम हाजी बेगम की बात कर लें, माता की हमीदा बानो बेगम की बात कर लें, बहन की हुमायूं की जो छोटी बेगम थी उसकी बात कर लें, दारा सिको की बात कर लें, जहांदार शाह की बात कर लें,
लें, फर्रुख सियर जिसको घृणित कायर के नाम से जानते हैं उसकी बात कर लें, रफी उद्दरजात की बात कर लें, आलमगीर दुती की बात कर लें, इन सभी को ये हुमायूं के मकबरे के पास ही दफनाया गया है। ठीक है, तो यहां इनका फैमिली बैकग्राउंड है जुड़ा हुआ, तो इसको याद रखेगा। करा पित्रादुना टेक्निक के माध्यम से कौन सा मकबरा सबसे पहले बनाया गया है, तो एतमादौला का मकबरा बनाया गया। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कुछ विविध अलग से क्वेश्चन आपके लिए है। लिख रहा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भाई मोहम्मद सरंगीला था। क्यों? दारू शराब के चक्कर में कुछ किया नहीं, नादिर शाह ने हमला किया 1739 में, इस तख्ते ताऊस को लेकर चला गया, कोहिनूर हीरा भी जड़ा था वो भी चला गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, आगे देखिए, करा अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किसने दिया? तो दोस्तों इसके लिए फरमान जारी कर दिया अंग्रेजों के लिए, किसने? फर्रुख सियर ने। किसने जारी किया? फर्रुख सियर ने जारी कर दिया, याद रखिए फरमान, और फिर आवागमन उनका क्या हो गया? मुक्त हो गया। किसका? अंग्रेजों का। फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। करा किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? कभी भारत का सिराज भी कहा जाता है, कभी पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पूर्व का सिराज। किसे कहा जाता है? जौनपुर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जौनपुर अपने जमाने में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, इस वजह से इसको पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता है। सिर अकबर को महान रहस्य कहा जाता है। दोस्तों सिर अकबर टाइटल के नाम से दारासी को उपनिषदों का और अन्य महाकाव्यों का फारसी भाषा में अनुवाद किया करता था, जिसके कारण उसे लघु अकबर की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, तो याद रखेगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद सारंगी 1739। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हिजड़ों का और उसके अलावा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था, जैसे नूरजहां गुट का संबंध गुट का संबंध जहांगीर के काल से मिलता है, उसी तरह से हिजड़ों और इस तरह का संबंध जो है मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल से मिलता है, इसको रंगीला बादशाह भी बोला जाता था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हसन गंगू ने किया था। कब किया था? तो 1347 में। दोस्तों उसी दौरान आपने 1343 में देखा होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी हुआ था, वो भी आपको पढ़ाया गया। ठीक है, किसने किया था? हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, मतलब मक्का का द्वार कहा जाता था? ठीक है, क्योंकि मक्का जाने के लिए समुद्री यात्रा करना पड़ेगा और वो समुद्री यात्रा शुरू होती थी गुजरात के सूरत से। ठीक है, इसलिए बाबुल का मक्का कहा जाता था। किसको? सूरत बंदरगाह को। करा जयसिंह दुती ने दिल्ली में खगोली वेधशाला का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। यह दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली में है, जयपुर में था, मथुरा में है, उज्जैन में है और वाराणसी में, पांच जगह पे वेधशालाएं बनाई गई थी। कहां कहां? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और आपका वाराणसी। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कैसा लगा यह सेशन आपको पढ़ करके? वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। ठीक है, लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी YouTube चैनल स्टडी 91 पर। देखिए ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है, हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर, आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की तो शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें, इसके माध्यम से आपकी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, वहां पे क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6-7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए। ठीक है, बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, टूल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री आप कॉस्ट रखे गए, उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।